मुनमुन, पहचान लिए तुमको। आज तुम भी इतना का याद दिला रही हो। अब कितनी छोटी थी तुम हमारी शादी में, याद है तुमको? हाँ भाभी, अब याद आया। याद है मैं कैसे आपकी शादी में बाथरूम में लॉक हो गई थी? कितनी मुश्किल से निकाला था मुझे वहाँ से, कितना रोई थी मैं। हमको सब याद है, रो रो के तुम्हारा चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। किससे बात हो रही पगली? आलू चुकी भैया, आपकी कंफ्यूजन मुनमुन का काल है। कंफ्यूजन में तो हम है पगली, कि हम किसके हैं, शायद तुम कजन कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। इलो मुनमुन, अपने भैया से भी बात करो, रुको स्पाइकर पर डालते हैं। हाँ मुनमुन बेटा, कैसी हो? अरे तुम तो अपने भैया भाभी को भूल ही गई। अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे हैं। और वो क्या है ना, हम फर्दर स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया चले गए थे, इसीलिए याद नहीं कर पाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ाई करो, तिवारी खानदान का नाम रोशन करो। बिल्कुल भैया। अच्छा सुनिए ना, हम क्या सोच रहे थे, हाँ, कि बहुत दिन हो गया आप लोगों से मिले नहीं है और आप लोगों की बहुत याद आ रही है हमको, हम आ जाए क्या आपसे मिलने? ठीक बा मुनमुन, जल्दी आ जाओ, मोस्ट वेलकम। वेलकम नहीं, वेलकम पगली। सही पकड़े हैं, आ जाओ मुनमुन, हमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको नया नया डिशेस बनाकर खिलाएंगे। ठीक है तो हम कल ही आते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल आओ, ये तुम्हारा ही घर है। बाय। लड्डू की भैया, मुनमुन आ रही है, अब तो हमको घर का साफ सफाई करना पड़ेगा, अब अकेले तो ना ही कर पाएंगे, किसी का जरूरत भी पड़ेगा ना। अरे तो ठीक है ना, टिलुआ है ना अपना, वो किस दिन काम आएगा कम वक्त। अच्छा जैसे वो मानते हैं आपका बात। अरे काय टेंशन ले रही हो, हम उसे इमोशन की पुड़िया खिला देंगे, फिर देखना कैसे भाग भाग के काम करता है। एक बार हम भी बोल देंगे टिल्लू भैया को। हाँ चलिए सोते हैं। अरे सुना तो सही, अचानक हमारे अंदर के रोमांस के कीड़े बिलबिलाने लगे हैं बगली। अपने रोमांस के कीड़ों पर डीडीटी छिड़क। अबे ऐसे मॉल में क्या तू भजन सुनेगा? नहीं यार, कुछ गजल वजल हो जाए, कुछ माहौल बने, कुछ यार ऐसा क्या कुछ भी लगा। अबे ओ विभूति, मैं ऐसे आलतू फालतू गजल का शौकीन नहीं हूँ, मैं तो मुजरा सुनता हूँ, मुजरा। सही कहा तूने, बिलोटा चाहे जितना भी जनेऊ पहन ले, लेकिन ख्वाब में उसको छीछोड़े ही देखेंगे। चल 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 चल। अरे बेटे नमस्ते भाभी जी। नो, तुम अचानक? Why don't you sit comfortably? It's going to be a long conversation. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने घर में नहीं किसी बार में आ गई हूँ? नहीं नहीं, what are you talking? तुम्हारा ही घर है ये। टॉकिंग अबाउट माई फ्लाइट, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई एंड थैंक गॉड वो कैंसिल हो गई। उसी बहाने मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे घर के बाहर जाने के बाद तुम यहाँ पर क्या रंग रंगलियां मनाते हो। यार मैंने क्या रंग रंगलियां मना दी यार, प्रेमी तो था। प्रेम? ये वो प्रेम है जिससे मुझे सख्त नफरत है। लेकिन क्यों नफरत है, कोई रीजन तो होगा ना नफरत? हाँ, है नफरत है, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है ना, तो मुझे वो किसी वैश्य दरिंदे से कम नहीं लगता। I understand. He's an ugly duckling. खूबसूरत आदमी, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बड़ा मासूम है दिल का। उसने मुझे बहुत संभाला है, बहुत संभाला है उसने तुम्हें। तो एक काम करो ना, उसे और मौका दो, तुम जाओ यहाँ से, अपना सामान पैक करो, जाओ उसके पास ही रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ से जाने के बाद ये घर किसी बार में कन्वर्ट हो जाए। कैसी बात है, जस्ट इनफॉर्मल, ऐसा कैसा कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रही है, प्लीज पैक योर बैग्स एंड गो फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। नो बेबी, ऐसा नहीं है, मैं अपने घर में एक साल के बाद बैठा हूँ यार।
मतलब घर में इससे पहले भी महफिलें सजती आ रही हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम लास्ट टाइम लखीमपुर खीरी गई थी। ओहो, मतलब जब भी मैं लखीमपुर खीरी गई हूँ इस घर में ऐसी महफिलें सजती आ रही हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। रीड माई लिप्स। तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है और क्या गलत है ये अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। विभू प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस। दिस इज माय हार्ड अर्न्ड मनी। वाओ, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। सासगारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। क्या बात पगली, आज अकेली भिड़ी हुई हो? हाँ न लड्डू के भैया, देखे ना सुबह से पूरे घर का साफ सफाई किए रहे। हमरी ननंद आ रही है ना, आपकी बहन। आज का है ना, हम वेज बिरयानी बनाने वाले हैं उनके लिए। तो अकेली सारा काम करोगी? तो फिर और कौन करेगा? अरे है ना अपना टिल्लू, उसको बुलवाया, वो आता ही होगा। लेकिन टिल्लू भैया अकेले ना ही कर पाएंगे ये सब, हमको तो उनके साथ लगना ही पड़ेगा। अरे पगली तुम भी। भाभी जी नमस्ते। खसरी खसरी। अरे टिल्लू मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे तुझे याद कर रहे थे देख मेरे बेटे। क्या बात है सेठ जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है टिल्लू पे। अरे बेटा हम तो तुझे हमेशा ही प्यार करते हैं। मुझे पता है सेठ जी कि तुम कब प्यार करते हो मुझसे। अच्छा बता कब प्यार करते हैं? जब तुम्हें मेरी तनख्वाह ना देनी होती है तब। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारे मन में तो तेरे लिए एक अलग ही टाइप की फीलिंग है। किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ सेठ जी, मैं उस टाइप का कतई ना हूँ और लखनऊ तो कभी गया ना हूँ। अरे तो हम भी उस टाइप के नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तुझे अपना छोटा भाई मानते। अच्छा तो ठीक है, लेकिन हाँ इस बात का मेरी तनख्वाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा सेठ जी। अरे ना ना बेटा, काय पड़ेगा असर भला? तुम्हारी बात गधे की लात। भाभी जी आप ही बताइए, हम आपकी बात पे पूरा यकीन करते हैं। टिल्लू भैया हम तो आपको अपना भाई मानते हैं। भाभी जी टिल्लू की तो जान भी कुर्बान है आपके ऊपर। ई बात पे आपको गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। अरे वाह, भाभी जी चाय भी पीऊंगा। ठीक बा। अरे मेरे बेटे सिर्फ अंगूरी नहीं बल्कि हमारे मन में भी तेरे लिए बहुत सच्चा प्यार है। हाँ लेकिन तुम्हारे प्यार की दाल में ज्यादातर लालच का तड़का लगा रहे वे सेठ जी। खैर छोड़ो, जे बताओ कि काम क्या है। काम ये है मेरे बेटे कि हमारी चचेरी बहन आ रही है। तो पहली बार आ रही है तो पहले अंगूरी के साथ काम वाम निपटा दे, उसके बाद फिर बस अड्डे चला जा उसे लेने। धुर्रा प्रेमनगर वाली जो बस आएगी ना उसमें आ रही है। अच्छा अच्छा, कैसी है वो? क्या कब आ रही है वो? मतलब बेटे कहा ना अभी आ रही है। उम्र क्या है? तुझे आधार कार्ड बनवाना है का? नहीं नहीं सेठ जी, उनका नाम क्या है? मुनमुन नाम है। यार जब नाम इतना प्यारा है तो वो कितनी प्यारी होगी। दिखने में कैसी है? मेरा मतलब है पहचानूंगा कैसे सेठ जी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरी बेटी, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है ना वैसे अपने गले में तख्ती लटका ले, उस पे लिख दे मुनमुन, बस वो देखते ही समझ जाएगी यही है वो कुत्ता, मतलब तू। चल जा, समोसे खा के जाऊंगा। ठीक है पहले खा फिर जा। ठीक है। मुन मुन। अब देखिए अनु ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया, घर लॉक कर दिया और मुझे बाहर छोड़ दिया है ददर के ठोकरे खाने के लिए। कितनी नाकदरी अपने हस्बैंड की यार, दिस इज नॉट फेयर।
हाय प्रेम, क्या हाल चाल है भाई? और सुना विभूति, तूने मुझे किस लिए बुलाया? यार एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्यों याद करता है? वो तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है। अबे मैंने क्या तेरे सारे काम के ठेके ले रखे? ऐसा मत बोल यार, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो मेरे लिए कुछ करता। आज तक तूने किया ही क्या है मेरे लिए? मैंने तेरे लिए बहुत किया है। तुझे मैंने कितनी बार याद करा, कितनी बार बचाया भाभी जी से, कितनी बार बचाया, कितनी बार। अबे मेरी बीवी के सामने तो तेरा थोबड़ा ही नहीं खुलता है। तूने जब भी मेरे बारे में झूठ बोलने की कोशिश की है ना, और तेरी झूठ के वजह से हमेशा मैं ही फंसा हूँ। और तेरी वजह से मैं फंसा हूँ। मेरी बीवी मुझे घर के बाहर छोड़ गई है, घर लॉक कर दिया उसने, चाबियां ले गई साथ में। मेरा कहीं कुछ दिन के लिए रहने का जुगाड़ कर देना। और तेरा वो अफीम कोठी वाला घर, उसमें मैंने लखनऊ की एक चमिया रखी हुई है। और तेरा वो रामनारायण मार्केट वाला घर, उसमें मैंने एक गुल्लू की कसम को रखा है। और तेरा झागरखटी वाला घर, उसमें एक भाभी है जिससे मैं अक्सर मिलने जाता हूँ, वो मेरी पर्सनल है, ये मेरा पसंद खाता है। इसमें लानत है लानत, लख लानत। तूने हर जगह अपनी कोई ना कोई छमिया को रख रखा है, लेकिन अपने दोस्त के लिए कोई जगह नहीं है। अबे ओ विभूति, दोस्त के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, काश तो मेरे दिल में शिफ्ट हो पाता। अच्छा एक बात सुनना, मैं ये बाइक छोड़ के जाता हूँ, इसका ख्याल रखना, मैं जरा आता हूँ। ये बहुत बड़ा कुत्ता है, लेकिन नॉर्मल कुत्ता नहीं है, ये कमीना कुत्ता है। भैया अगर वो उठाने वाला है ना, बाइक उठाने वाले, उससे बोला हमने जानते किसी बाइक वाले को, ले जा। झगरकट्टे झगरकट्टे वाह झगरकट्टे, मॉडल कॉलोनी झगरकट्टे, ओ झगरकट्टे। अरे हाय साइलेंट रेडियो, चाय पी जा रही, क्या हो रही है मेरी जान? अबे मुंह क्यों बना रही है यार, पूछ ही तो रही हूं तुझसे। पर्ची घुइयां उखाड़ रहा हूं, तू खा। अबे यार मुझे कोई शौक ना घुइयां उखाड़ने का, तू ही उखाड़ ले, आई समझ में? यार पेलू मुझे ना यार तेरी रिक्शा चाहिए थी थोड़े टाइम के लिए। ये बड़ा मसला है यार। किस लिए चाहिए तुझे रिक्शा? अबे यार वो कंजू सेठ ना मनमोहन तिवारी, आज उसकी कजिन सिस्टर आ रही है, तो उसने मुझसे कहा है कि टिल्लू बड़े हिफाजत के साथ मेरी कजिन सिस्टर को ले आई हो, इसलिए तेरी रिक्शा चाहिए यार। हम में क्या कांटे लगे? अबे भुतनी के तुझ में कांटे लगे होंगे जो तुझसे ना आगा। ये बता यार पेलू की मॉडर्न कॉलोनी में तू कितना किराया कमा लेता है? 50 रुपए ना? मेरी जान टिल्लू तुझे 100 रुपए देगा, ये पकड़ और रिक्शा मुझे दे दे। आए, आए, तेरी मुस्कुराहट। मुनमुन तिवारी का अब इंतजार करो भैया। Excuse me. Excuse me. अरे का टुकुर टुकुर देख रहे हैं ऐसे, बहरे हिका सुनाई नहीं दे रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं। आई एम सॉरी माई सेल्फ टिल्लू मैनेजर चमेली छाप कच्छा बनियान। इतनी सुंदर और मासूम है ये, है ऊपर वाले, इसके साथ मेरा टांका भिड़ा दे। तो आप बोले कि आप भैया के कंपनी में मैनेजर हैं, तो ई रिक्शा का पार्ट टाइम चलाते हैं? नहीं नहीं मुनमुन जी, दरअसल बात यह है कि आपके भैया ने हमसे कहा कि हमारी कजिन बहन को बाइज्जत सुरक्षित तरीके से लेकर आना, इसलिए हमने सोचा कि रिक्शा हम खुद चलाएंगे और आपको हिफाजत से घर लेकर जाएंगे। अच्छा तो चले कहाँ? घर। हाँ घर, आइए मुन्नी। मुनमुन जी आइए बैठिए ना, प्लीज आइए आइए, बैग बैग दीजिए ना आप, प्लीज बैठिए।
जब मेरी जिंदगी में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक दरवाजा खुला हुआ होता है और वो होता है सक्सेना जी का। आई लव दिस मैन, आई रियली लव दिस मैन। दरवाजा भी बंद है, लगता सक्सेना जी अंदर होंगे। सक्सेना जी, सक्सेना जी, हे डोंट ट्राई टू चीट विथ मी, इट्स माय स्कॉर्पियो, माय टर्न नाउ। हाँ भैया बोलिए, क्या? अब ये मत कहिएगा कि अनु ने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मैं नहीं कहूंगा भैया, आप खुद ही बता दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ है कि अनु ना बाय मिस्टेक घर की सारी चाबी अपने साथ ले गई है और घर भी बंद कर गई है, तो आई एम स्टक आउटसाइड, मैं बाहर फंस गया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यानी भाभी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो घर की चाबियां बगैर दिए आपको जा कैसे सकती हैं? उसके दिमाग में 5,000 चीजें होती हैं यार, सच अ बिजी वुमन, शी इज अ वर्किंग वुमन, तो भूल गई होगी यार, इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं अनीता भाभी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ भैया, उनका दिमाग इतना भुलक्कड़ नहीं हो सकता, वो जान बुझ के ऐसा करके गई है। यार आप किस कमाश के आदमी है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाय मिस्टेक गलती से चाबी ले गई है वो, तब भी आप मेरे गुर्दों में खाम खाम उंगली कर रहे हैं। खैर भैया, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा कि वो गलती से चाबी लेके गई हैं या जानबूझ के चाबी लेके गई हैं। फिलहाल आप मुझे ही बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। नथिंग मच एक्चुअली, क्या है कि वो चाबी ले गई है, घर बंद है, तो मैं बाहर रह गया हूँ, तो डू यू माइंड कि अगर मैं एक रात आपके घर में गुजार दूँ? नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बात यह है ना कि अमेरिका से मेरे कुछ पागल दोस्त आए हुए हैं, हैं? आज रात को 1 बजे उनकी वापसी की फ्लाइट है, तो उसके बाद आप आ जाइए, आप ही का घर है। अंदर वाले कमरे में वो चार दोस्त हैं, दो दोस्त हैं और दो उनकी गर्लफ्रेंड है। एक कपल तो आते ही बेडरूम में घुस गया, बाहर ही नहीं आ रहे हैं, दबी दबी सी चीखें बाहर आ रही हैं बस। मतलब मतलब मैं आपके घर में रह नहीं सकता हूँ? अरे भैया बोला ना, रात के 1 बजे के बाद आ जाइएगा। इट्स माय टर्न, वेट। सर्दियों के मौसम में ना गाजर के हलवे की बात ही कुछ अलग होती है, और वो भी तेरे हाथ के बने हलवे की। थैंकू चालान आंटी। गुरी बेटा, हेलन आंटी। आ सही पकड़े हैं जी। अग्रवाल साहब, अरे हमने आपके घर में एक तो गीजर भिजवाया है, क्या है कि आप भी गर्म पानी से नहाइए और भाभी जी से भी कहिए। जी मौसम बड़ा बेईमान है ना, इसलिए कह रहे हैं। जी नमस्कार। अरे आप भी है, नमस्कार। एक बात बता कच्चा बनियान, तूने अपना धंधा बदल लिया है क्या? ये गीजर किसके यहाँ भिजवाने की बात कर रहा है? कहा है ना आंटी जी की हमारे क्लाइंट है अग्रवाल साहब, तो उनके यहाँ हमने भेंट स्वरूप एक तो गीजर भिजवाया है। क्या है कि सर्दी की तैयारी भी तो जरूरी है ना। का बात है लड्डू की भैया, ई बात पे हमरे हाथ का गाजर का हलवा खाइए। वाह क्या बात है, ई लीजिए। हाय दिया, ओ रायता फैल गया लड्डू की भैया, सॉरी। रायता नहीं, हलवा फैल गया, जरा संभल के चलना चाहिए ना गोरी बहू। कितनी बार का है, हपड़ तपड़ मत किया करो, अब इसे किसी अच्छे से वॉशिंग पाउडर में धो डालो। हाँ निकाल कर दीजिए, वैसे भी ना हम इको गोदरेज इजी लिक्विड डिटर्जेंट में ही धोने वाले हैं। गोदरेज इजी लिक्विड डिटर्जेंट में ही क्यों? काहे ना आंटी जी कि बाकी वॉशिंग पाउडर में ना बहुत सोडा होता है, जिससे ऊनी कपड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन गोदरेज इजी लिक्विड डिटर्जेंट में ना बाकी वॉशिंग पाउडर की तरह बिल्कुल भी सोडा नहीं होता है, और इससे धोने से कपड़े जो हैं वो साफ, मुलायम और शाइनी हो जाते हैं। वाह तुम तो बहुत जानकारी रखती हो। अब एक काम करो, इसे गोदरेज इजी लिक्विड डिटर्जेंट में धो डालो। देखा ना कच्चा बनियान, इसे कहते हैं सर्दियों की तैयारी। सही पकड़े हैं।
ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे, ना ना करते। तासे गाना गाइए अब आप मुनमुन जी। ता ता ता। तितली उड़ाने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, चिड़ी 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 चिड़ी। It's not titli, it's bijli. बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। Excuse me, आप कौन? इस लौंडे से पूछो हम कौन है। ये खामोखा है। मैं ना जानता जी कौन आदमी है, कहाँ से आया है। जल्दी पहचान जाएगा बेटा। ओह हाय दिया, अब भरभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो, अमुनमुन ई हमरे ना बॉयफ्रेंड। उनका फैमिली फ्रेंड है। आ, सही पकड़े हैं। वही ना जो नल्ले हैं। भाभी जी ये कौन बच्ची है? इसके बिहेवियर से तिवारी जी के खानदान की बू आ रही है। आ, सही पकड़े हैं। ई ना लड्डू के भैया का कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन लड्डू के भैया हैं? किसके हैं वो? आप कजन कहना चाह रही हैं? आ, सही पकड़े हैं। ओके ओके ओके, सो योर तिवारी सिस्टर राइट? योर तिवारी सिस्टर? You're my sister. Really? So, can I call you Vibhu bro? Of course you can call me Vibhu bro. By the way, what's your name? Myself, Munmun. Oh, a lovely name. So, can I call you Monis? No. I'm your younger sister. Just call me Moon. By the way, glad meeting you. Same here. You have a fantastic personality. You're also quite cute, sharp, intelligent, smart, unlike your brother. My God, my brother has a horrible personality. Awesome. Give me a pie. क्या बात है सच्ची हमरा तो आंखें फटा का फटा रह गया। आप दोनों जैसे गिटर पिटर कर रहे हैं अंग्रेजी में, कास हम भी ऐसा अंग्रेजी बोल पाते। अंताक्षरी खेले मुनमुन जी। एक मिनट जी। भाभी ये आपके पड़ोसी भी हैं और आपके फैमिली फ्रेंड भी, तो आप इन्हीं से क्यों नहीं इंग्लिश सीखती? मैं इनको कई सालों से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सीखती नहीं। अच्छा भी, आप कब सिखाए हमको अंग्रेजी? कम ऑन भाभी जी, मैं हर बार आपको करेक्ट करता हूँ, आपकी अंग्रेजी करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एवरी टाइम, डोंट से दैट। सही पकड़े हैं। Yes. हम तो सोचे ही नहीं। मैं क्या कह रहे थे सेठ जी, खाने पे फोकस कर लो, ठंडा हो जाएगा। अगर कंजूस सेठ आ गया तो हलक में हाथ डाल के निकाल लेगा। Okay. शाबाश, बास बास बास। खाइए खाइए। हाँ भैया, आपके खाने की स्मेल ही अलग होती है। हेलो भाभी जी। आ गए हलक के दरबान।